हाँ, अलबत्ता गाने पे बहुत सख्ती थी। अच्छा, गाने पे सख्ती। गाने का बड़ा वो था कि नहीं ये काम नहीं करना, उसपे बड़ा सख्ती थी। एक्टिंग पे नहीं थी इतनी, एक्टिंग पे नहीं थी। ट्रैवल किया इकट्ठे हमने बहुत, मतलब दिन रात खाना पीना एक साथ हमारा रहा है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई अभी आपने बगे का गाना प्ले किया कि किसी ने कुछ भी करना है, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, तो कोई उस्ताद जरूर पकड़े। तो मैंने कहा कि मैं कोई 50-60 इस तरह के ना पागल पैदा करना चाहता हूँ जो वापस जाके अपने छोटे शहरों में ये कहें कि हम लाहौर गए थे, उस बंदे ने हमसे पैसे भी नहीं लिए, 3 दिन एक्टिंग वर्कशॉप कराई और उसने हमें ये सर्टिफिकेट दिया, और आगे से लोग कहेंगे जाओ ये ऐसे कैसे होता है। तो रॉजर का आइडिया आया फिर इस जो शूट आउट था उससे लिबर्टी चौक में, आज गुजरांवाला में एक लड़ाई हो गई। ये नहीं करना आपने कि आप शुरू तो हो गए कि आज गुजरांवाला में लड़ाई हो गई तो ड्रॉप हो गया, आपने कहना आज गुजरांवाला में लड़ाई हुई। जो आबिद अली ने अपने कैरियर का आगाज 20 साल पहले किया था उसमें और इस वाले आबिद अली में क्या फ़र्क है? बड़ी पुरानी बात कर दिया सर। वैसे तो रिवायती सा सवाल है सर, क्योंकि अमूमन हर बंदा यही सवाल करता होगा जब आपको मिलता होगा कि आप एक्टर कैसे बने, कब आपको लगा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो सवाल जो गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो यहाँ से ही शुरू होता है। हाँ, उसमें ऐसे है कि उस आबिद अली में और इस आबिद अली में ये फ़र्क है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा आइडियलिस्टिक था, आइडियलिज्म पे उसका, परफेक्ट सिनेरियोज पे उसका बिलीव था। अच्छा। फिर उसको समझ आई कि ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। तो अभी वाला जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन अभी भी मैं चेज अपने ड्रीम को ही कर रहा हूँ, अभी भी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी के पीछे। सही। सर, अदाकारी जो है अमूमन पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर उसको पसंद नहीं किया जाता और इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं समझा जाता, तो जब आपने पहली दफ़ा इजहार किया अपने घर वालों से कि मैंने ये काम करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सरप्राइजिंगली डिफरेंट था। अच्छा। हमारे घर में एक थोड़ी सी जो आपके इसका नाम भी फ़ज़ा है वो डिफरेंट थी। अच्छा, फ़ज़ा डिफरेंट। हाँ, वो फ़र्क थी थोड़ी सी। अच्छा। थोड़ी सी स्पेस थी वहाँ पे, ब्रीदिंग स्पेस थी। मैं हमारे घर में मैगजीन्स आते थे जो वो डाइजेस्ट आते थे ताकि वो हम वो पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, तो कहानी से मेरा ताल्लुक था उस वक्त भी। मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में, गुजरांवाला में पढ़ता था फेडरल बोर्ड के स्कूल, तो उसकी जो लाइब्रेरी में जो फिक्शन बुक्स थी वो मैंने सारी पढ़ ली थी। अच्छा। तो पढ़ने का एक शौक था। फिर म्यूज़िक हमारे घर में बहुत अच्छा सुना जाता था, किसी को गाना या उस तरह से तो नहीं आता था, लेकिन सम हाउ उनका ज़ौक बड़ा अच्छा था, गालिब को सुनते थे, पढ़ते थे, तो एक ज़ौक जो था ना वो मौजूद था माहौल के अंदर। तो इसलिए मुझे जब मैंने ये बात की तो उनको ये समझ तो नहीं आई कि ये कैसे करेगा, क्योंकि इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, किसी ने फैमिली में पहले किया नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं था ये कैसे होता है, खुद मुझे नहीं पता था। तो लेकिन ये था कि वो वर्ल्ड भी था कि यार कैसे करेगा, कभी शहर से बाहर नहीं निकला, लाहौर में अकेला कैसे रहेगा। तो फिर मैंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की, मैंने उनको कहा कि मुझे आप 2 साल के लिए अलाउ करें, तो मैं 2 साल में अगर आपको टीवी पे नज़र आ गया। अच्छा। तो मैं रहूँगा लाहौर में और ये काम करूँगा, और अगर मैं ना आ सका टीवी पे नज़र आपको तो मैं वापस आ जाऊँगा और जो आप कहेंगे वो करूँगा। तो मेरा ख्याल है 3-4 महीने बाद ही मैं ड्रामे में न सिर्फ उनको नज़र आ गया, बल्कि क्योंकि कैंट एक छोटी जगह है गुजरांवाला कैंट, वहाँ मैं रहता था, तो वो मैं वहाँ पर मशहूर भी हो गया। अच्छा। हाँ, लोग मुझे जानना शुरू हो गए, रुक के बात करना चाहते थे, कहते थे कि हम इसको जानते हैं। अच्छा। ये हमें जानता है, इस तरह करके ना, तो वो इतनी सख्ती नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता गाने पे बहुत सख्ती थी। अच्छा, गाने पे सख्ती। गाने का बड़ा वो था कि नहीं ये काम नहीं करना, उस पर बड़ा सख्ती थी। एक्टिंग पे नहीं थी इतनी। एक्टिंग पे नहीं थी। सही। तो सर, जब आपने अपना पहला प्रोजेक्ट किया तो आपको याद होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो कुछ वो यादें शेयर करें, कौन सा प्रोजेक्ट था और कितनी आपको जो है उसकी उजरत मिली? पहली दफ़ा जब मैं कैमरे के सामने आया वो था PTV का एक प्ले था, पायलट था, और उसमें मेन लीड में मारिया वास्ती थी। अच्छा। और मेरा जो सीन था वो ये था कि मैं पीछे कैमरे के पीछे से मैं उनके पीछे से गुजरता हूँ। अच्छा। एक पार्टी का सीन था। अच्छा। जहाँ पे सारे खड़े हैं, तो मैं और एक लड़की, उन्होंने हमारा पेयर बना दिया और मैं और वो लड़की ऐसे
पीछे से गुजरते चले जाते, आगे मारिया वास्ती का और नैयर एक एक्टर होते थे, मेरा ख्याल उनकी डेथ हो चुकी है, वो उसके साथ सीन था, इन दोनों का सीन था और हम पार्टी में खड़े हुए हैं और पीछे से गुजरते हैं। फिर दूसरा जो मुझे कैरेक्टर मिला जिसमें मेरी लाइंस भी थी वो जावेद फाजिल साहब का प्ले था मझधार, तो स्टूडेंट लीडर का मैंने उसमें कैरेक्टर किया था, फैसल कुरैशी उसमें लीड कर रहे थे, वो भी स्टूडेंट लीडर थे, तो हम उनके कॉलेज के फ्रेंड थे। सर मुझे ये बताएं कि अमूमन जब घर छोड़ के बंदा दूसरे शहर आता है तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको, और उसको जो है मुश्किलात के साथ साथ यकीन भी नहीं आ रहा होता कि क्या ये बाकी मैं ये काम कर सकता हूँ क्या नहीं, तो आपको ख़ुद पे कितना यकीन था, सेल्फ बिलीव कितना था कि ये काम मैं कर सकता हूँ? मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ खुद। अच्छा, खुद पे डाउट नहीं? हाँ, मेरे पास एक ही स्ट्रेंथ थी और वो ये थी कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, और मुझे कोई खुश फहमी नहीं थी अपने बारे में, मैं ये जानता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा सवाल ये था कि क्या ये करते हुए मैं अच्छा लगूंगा कि नहीं, लोगों को पसंद आऊंगा कि नहीं, ठीक है, तो वो उसका मैंने उसका ये किया कि जब मुझे शुरू के ड्रामास मिले ईटीवी के पंजाबी प्लेस, तो उसमें मेरी बड़ी ट्रेनिंग हुई क्योंकि मैं लीड कर रहा था पीटीवी के प्लेस पंजाबी, और वो रीजनल प्लेस होते हैं, वो शाम को चलते हैं, उसकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, वो पूरा पाकिस्तान नहीं देखता, सिर्फ पंजाब में आता हूँ, तो उसमें मैं चाहता भी ये था कि ज़्यादा लोग ना देखें क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं ये करता था कि मैं वो करने के बाद देखता था अपनी एपिसोड्स और मैं उससे लर्न करता था कि मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं ये कर नहीं सकता, ये मुझे था कि मैं ये कर लूँगा, इशू सिर्फ ये था कि कोई तरीका नहीं पता था, रोड मैप नहीं था, ये नहीं पता था कि पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस ये पता था लाहौर चला जाऊँ और वहाँ पीटीवी है, पीटीवी में जाया करूँ, और था ही उस वक्त पीटीवी, तो रेडियो चला जाऊँ या ऐसी जगहों पे जाऊँ जहाँ पे काम होता है, थिएटर चला जाऊँ जहाँ पे ये काम होता है, तो ऐसे ही मैंने किया और वहीं से मुझे लोग मिलते गए, वहीं से मुझे काम मिलता गया और फिर मुझे थोड़ी बहुत समझ आई इस काम। सर पेशेंस कितना ज़रूरी है एक एक्टर के ऊपर, एक्टर के अंदर पेशेंस या सब्र का जो मादा है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि अमूमन आगाज़ के अंदर हमने देखा है कि आपको इस तरह से काम नहीं मिलता, तो कभी आप जो है डीमोटिवेट भी होते हैं, जब आप डीमोटिवेट होते थे तो तब क्या अपनी स्ट्रेंथ बनाते थे? पेशेंस जो है ना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते काम। मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स जो मुझसे कहीं बेहतर थे अपने काम में और टैलेंट में, जो उनको गिफ्ट था अल्लाह की तरफ से, वो मेरे से बहुत बेहतर थे, लेकिन उनमें सिर्फ ये था कि उनमें पेशेंस नहीं था, टैलेंट उनमें बहुत था, इतना टैलेंट था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे जो आते थे एक्टिंग करने और या रिहर्सल्स में या ऑडिशंस में कि वो तबाह कर देते थे। अच्छा। मतलब ऐसा परफॉर्म करते थे कि बंदा कहता है इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं था, तो अगर मैं समझता हूँ कि टैलेंट आपके अंदर बेशक कम हो लेकिन पेशेंस हो आप कर जाएंगे ये काम, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट 100 है 100 है आपके पास पेशेंस नहीं है तो नहीं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आबिद अली साहब का एक पुराना ताल्लुक है साहिर अली बक्का साहब के साथ, और उनसे ही जानेंगे कि ये ताल्लुक कैसे कायम हुआ, और आप दोनों ने अच्छा वक्त भी देखा है बुरा वक्त भी देखा है, तो साहिर अली बक्का साहब के बारे में हमें बताएं, क्योंकि बहुत सी यूथ उनको एडमायर करती है। यार साहिर अली बक्का जो है वो मेरा बचपन का दोस्त है और हमने बहुत काम किया है इकट्ठे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जो बग्गे की जो सारी जो ग्रूमिंग है या उसका जो करियर है वो सारा मेरे सामने है, और मुझे याद है मैं बग्गे का जो ईमेल है वो पहला ईमेल जो भी चल रहा है वो मैंने बनाया था, क्या उसका पहला जो लेटर हेड था वो मैंने बनाया, उसकी स्टैम्प जी, और उसका जो पहला वीजा लगा वो फॉर्म मैंने फिल किया था। अच्छा। तो बच्चों के नाम रखने से लेके हर चीज बग्गा जो है ना वो मतलब हमारा इस तरह से वो है, क्या कहने। तो बग्गा हमारे साथ ड्रमर था, मैं जवाद भाई के साथ उनका मीडिया मैनेज करता था, वो सारी जो ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन थी ना जवाद अहमद की वो मैं करता था, उनके पहले गाने से लेके आखिरी एल्बम जो उनकी आई 10 साल पहले, उसके बाद कोई एल्बम नहीं, वो 8 साल मैंने उनके साथ काम किया और मैंने उनके साथ तकरीबन 30 के करीब उनके म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किए हैं, 4 म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, तो उन सब का म्यूजिक बग्गा देता था और बग्गा हमारा ड्रमर था, लाइव शोज पे हमारे साथ जाता था और ड्रमिंग करता था जी। तो हमने बहुत ट्रेवल किया इकट्ठे, हमने बहुत मतलब
दिन रात खाना पीना एक साथ हमारा रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई अभी आपने बगे का गाना प्ले किया, क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसने बहुत मेहनत की है और उस वो बहुत मेहनत करके आया है। वो देखे ना कि वो तकरीबन 20-25 साल वो इस कमरे के साइज के कमरे में बैठा है, लोगों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और लोगों के गाने उसने बनाए हैं, तो अब आप देखें कि वो खुद भी गा सकता था लेकिन वो लोगों के गाने बना रहा था, क्योंकि आपको पता ना कि जब आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं आपको समझ नहीं आती कि यार मैं कौन सा काम करूं और कौन सा ना करूं, आप करना कुछ और चाह रहे होते हैं, पैसे किसी और से आ रहे होते हैं, तो आपको फिर देखनी पड़ती प्रेफरेंस, क्योंकि बिल्स तो आते ही आते हैं, पेट्रोल आपने डलवाना ही है, खाना आपने खाना ही है, तो वो आपको जितना मर्जी कोई और शौक हो आपको करना वही पड़ता है जहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो लोगों का म्यूजिक बना रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से बग्गा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। इस टाइम आप पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, इस टाइम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से देख रहे हैं और फ्यूचर में आप पाकिस्तान की जो फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? यार पहले तो ये फिल्म और ड्रामा दो अलग अलग हैं, और दूसरा ये कि मैं स्टूडेंट हूँ फिल्म का, और मैं समझता हूँ फिल्म जो है ना वो अल्टीमेट होती है जी। फिल्म इसलिए अल्टीमेट होती है कि जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो फिल्म में आते हैं, और ऐसा कोई ऐसा आर्ट ऐसा कोई किसी ड्रामा या आप कहें या सिंगिंग या ऐसा कोई आर्ट फॉर्म नहीं है जिसमें बाकी सारे आर्ट फॉर्म आ जाएं। फिल्म के अंदर ड्रामा भी है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है, सेट डिजाइनिंग भी है, वार्डरोब भी है, मेकअप भी है, तो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो फिल्म के अंदर आते हैं, तो फिल्म मुझे लगता है कि अल्टीमेट एक मीडियम है। तो पाकिस्तान में फिल्म का जो फ्यूचर है, अभी रिसेंटली कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं, ये शेप अप हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस रहते हैं जो कि बॉलीवुड की, जो इंडिया की जो फिल्में हैं, तो हम उन जैसी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से जो प्रियदर्शन साहब की जो फिल्में हैं, हेरा फेरी और इस तरह की, हमारी सारी कॉमेडी जो है वो उसके साथ मुतासर है, हमारी सारी कॉमेडी प्रियदर्शन साहब की, यहाँ हमारी नहीं सिर्फ इंडिया की भी, क्योंकि वो बहुत बड़े उन्होंने हिट फिल्में दी हैं कॉमेडी की, तो वो हमें थोड़ा सा ना अपने मौजूद की तरफ आना चाहिए, अपने मौजूद की तरफ आना पड़ेगा। आप बेशक वो देख लें पंजाब नहीं जाऊंगी या कायदे आजम जिंदाबाद या उससे पहले नामालूम अफराद, ठीक है, एक्टर इन लॉ, फिर रिसेंटली मौला जट है, जो जो फिल्म अपने आपकी रीजन की कहानी है ना जी, जो आप जिससे रिलेट कर सकते हैं वो फिल्म बिजनेस कर रही है। जो फिल्म किसी और फिल्म की तरह की है, जो कॉपी टाइप है, वो बिजनेस नहीं कर रही जी, ठीक है, वो फ्लॉप हो रही है। तो हमें देखना ये है कि हम अपनी कहानी देखना चाहते हैं। इसी तरह जो ड्रामा है मेरे ख्याल में उसको भी बदलने की ज़रूरत है, और जो वेब से काम आ रहा है ना, जो OTT प्लेटफॉर्म से आ रहा है, जो वेब सीरीज से आ रहा है जी, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा भी उसको ऑब्सलीट लगता है हमें, वो पुराना लगता है, वो अनरियलिस्टिक लगता है, बिलीवेबल नहीं है जी। तो अब जब ज़्यादा ये आएंगी वेब सीरीज, तो डेफिनेटली ड्रामा को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जी, तमाम देखने वाले और सुनने वाले जो हैं उनको मैं ये बात करना चाहूँगा कि सर के साथ जो है वो ताल्लुक़ जो है तकरीबन 4 से 5 साल पुराना है, और सर का शुमार मैं अपने उस्तादों में करता हूँ, बजाय तो खुद इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इनकी वीडियो से बड़ा कुछ सीखा। मुझे याद है 5 साल पहले 4 साल पहले जब मुझे नया नया थोड़ा सा सोशल मीडिया पर जान पहचान मिली और मुझे कुछ लोगों ने कहा सर कि आप ना एक्टिंग की तरफ जाएं, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे गया और मैंने लिखा कि हाउ टू बिकम एन एक्टर इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले जो वीडियो मुझे नज़र आई वो सर आबिद अली साहब की है, तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मुझे सही पाथ का पता चला। और उसके बाद तकरीबन 40 के करीब उसके बाद सर ने एक साल दो साल के गैप के बाद सर ने दोबारा वो वीडियोस बनाना शुरू की, और वो वीडियोस नहीं, वो एक एहसास है, यंगस्टर्स के लिए सीखने का मौका है और जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। और सर अपनी वीडियोज़ में अमूमन एक बात करते हैं कि आप लोग वीडियोज़ को फास्ट करके प्ले करके देखते हैं, तो ऐसा ना करें पूरी वीडियो देखा करें, जो आपके पते की बात होती है, जो आपके सवाल का जवाब होता है वो उस वीडियो के अंदर ही होता है। तो सर एक्टिंग वर्कशॉप हुई, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस था, और सीनियर अदाकार जो है वो बात अमूमन करते हैं कि जी हम नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन एक साइड पे आप हैं जो कि नौजवानों के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं और करके दिखा भी रहे। सीनियर या दूसरे एक्टर्स इस पर क्यों नहीं करते? उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो कर सकते हैं, बहुत से एक्टर्स इस पोजीशन में हैं कि वो ये कर सकते हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि किसी इंडिविजुअल को ये काम करने की बजाय उनको चाहिए कि वो कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ
कोई जाके उनको प्रपोजल्स दें. देखिए मैं थोड़ी सी वर्किंग ये जानता हूँ, मैंने काम किया हुआ है मिनिस्टर्स के साथ, सीएम के साथ भी, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह. तो एक्चुअली ये होता है कि जैसे जो मेडिकल की जो पॉलिसीज बनती हैं पंजाब में, जो मेडिकल की जो भी पॉलिसी बनेगी कि अस्पताल ऐसे होंगे, डॉक्टर्स की ये होगा, नर्सें ऐसे काम करेगी, ये पॉलिसीज पता है कौन देता है? डॉक्टर्स का पैनल. क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हॉस्पिटल कैसे रन करने हैं. जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो उनको पॉलिसी बनवाता है, अप्रूव करवाता है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाता है. वो पॉलिसी बना नहीं है, बिल्कुल ऐसे. इसी तरह से वो जब उन्होंने हेल्थ की पॉलिसी बनानी है, वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए. जब उन्होंने किसी और चीज़ की बनानी, ट्रांसपोर्टर्स की बनानी है, उनको बुलाते हैं. इसी तरह जब उन्होंने एक्टिंग की, शोबिज की बनानी है ना, तो एक्टर्स को और उनको बुलाते हैं. लेकिन इनके पास, किसी के पास पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं है. ज्यादातर लोगों का उनका विजन ये है कि उनका अपना काम चलता रहे तो बाकी सब खैर. तो ये एक गलत बात है. मैं जितने भी सीनियर्स के साथ बैठा हूँ, मैंने उनसे ये बात की है हमेशा, और मैंने उनको कहा है कि आपको एक पैनल बना के अपनी पॉलिसीज जाके उनको शेयर करनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि इस तरह हो. अब देखें, एक जो कल्चरल मिनिस्टर है उसको तो नहीं पता कि ड्रामे के क्या मसाइल हैं, उसको क्या पता? बिल्कुल. तो पॉलिटिशियन है, उसको तो नहीं पता चैनल्स के क्या मसाइल हैं, उसको क्या पता एक्टर्स के क्या मसाइल हैं, उसको कुछ पता नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल ब्लाइंड है, लेकिन वो कल्चरल मिनिस्टर है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है. तो अब आपका अगर पैनल जाएगा जो कि जाके बताएगा कि सर ये काम ऐसे ऐसे होता है और ये हमने इसको ऐसे ऐसे, हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए. देखिए ना, मैं प्रोडक्शन हाउस हूँ, मैं चीज़ें बनाता हूँ, मैं चीज़ें रिलीज नहीं करता. रिलीज करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अब आप देखें, एक छोटा सा फ़र्क है. तो FBR ने मुझे, मेरे ऊपर जो टैक्स लगाया वो लगाया एडवर्टाइजिंग एजेंसी का. मैंने उनको समझाया कि ये मेरे पे नहीं लगता है, मैं तो प्रोडक्शन हाउस हूँ, मैं रिलीज़ नहीं करता. उनको पता नहीं था. उनको जब मैंने ये फ़र्क वाजे किया कि एक चीज़ होती है प्रोडक्शन हाउस, एक चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो उन्होंने मेरे से वो टैक्स जो था एग्जेम्प्ट कर दिया मुझे. मेरे पे लगता ही नहीं था, मेरे पे सर्विसेज वाला टैक्स लगता था, मैं तो सेलर नहीं हूँ. लेकिन ये किसी ने बताया तो हुआ ना, वरना तो सब पे लग रहा है. ऐसा ही है. लेकिन इसी तरह से ये आर्टिस्टों का काम है कि वो कोई अपना पैनल बनाए, समझदार लोगों का, जिनका कोई विजन हो, जिनका कोई एक्सपोजर हो, वो जाए और वो जाके उनसे बात करें और पॉलिसीज बनाए जिनका फायदा हो इंडस्ट्री का, क्योंकि ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, वो नहीं कर सकते. जी सर, तो शो जो है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही थी कि आपके कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को कवर कर रही हैं, आपका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है आबिद अली फिल्म्स के नाम से. $50 शो एक ऐसा शो है जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक नहीं आया, जिसमें नए चेहरों को, बिल्कुल ऐसे लोग जिनको कभी कोई जानता भी नहीं है. तो सर, ये आइडिया और ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये कैसे हुई? यार ये यहाँ से आया मेरे जहन में कि बहुत से लोग लाहौर आते थे यहाँ के, वो जो फेक टैलेंट मैनेजर्स होते हैं या प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, वहाँ आके वो पैसे ज़ाया करते थे. अब किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 15-20, इस तरह करके उनके उनको उन सारे पैसों में से 10 तस्वीरें किसी ने खींच दी और उनको कहा हम आपको कास्ट करवाएंगे और उसके बाद वो कभी नज़र भी नहीं आए. तो इस तरह की चीज़ें सुनते सुनते ना मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ और मैंने कहा कि यार ये मासूम लोग आते हैं छोटे शहरों से और यहाँ आके लुट जाते हैं. दूसरा ये कि लाहौर का एक इमेज ख़राब हो रहा था. मैंने ये तय किया कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगा. तो मैंने एक 3 दिन की एक एक्टिंग वर्कशॉप करवाई लास्ट ईयर जनवरी में, और अलहमरा के साथ मिल के, अलहमरा जो आर्ट्स काउंसिल है, तो और उनको सर्टिफिकेट जो दिए गए वो अलहमरा की तरफ से थे, उसके ऊपर अलहमरा का लोगो था, आबिद अली फिल्म्स का लोगो था. 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई गई. तो मेरे से पूछते थे लोग कि यार फ्री क्यों कर रहे हो, पैसे क्यों नहीं ले रहे? तो मैंने कहा कि यार जब तक मैं फ्री कर सकता हूँ मैं करूँगा. और मैंने खुद से वो सारे पैसे खर्च करके वो एक्टिंग वर्कशॉप करवाई, बल्कि उनको लंच टाइम में थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स भी हम करवाते थे. मैं खुद उस एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा था. और उस एक्टिंग वर्कशॉप के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्निक, सिर्फ वो वर्कशॉप नहीं थी, सर ने बकायदा तौर पे एक एक चीज़ इंडस्ट्री के बारे में बताई, चैनल्स के बारे में बताया, जो कि एक एक्टर को पता होना चाहिए. सर, नॉलेज होना अपनी फील्ड से रिलेटेड कितना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए? ये बहुत ज़रूरी है. देखें, इसी तरह है कि जैसे आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप जाहिर है कि वो मेडिकल स्टोर जो है वो वहाँ तो नहीं खोलेंगे जहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हों, वहाँ पे आप वहीं खोलेंगे ना. थोड़ा रिसर्च करेंगे,
कि यार मैं इस हॉस्पिटल के पास मेडिकल स्टोर खोलता हूँ, क्योंकि सारे दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती हैं, हॉस्पिटल के करीब के मेडिकल स्टोर जो है वो ज्यादा चलते हैं। फिर आप रिसर्च करते हैं कि कितने मेडिकल स्टोर्स हैं, फिर आप रिसर्च करते हैं कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ उतने उस तरह के कितने हैं, तो आप करके फिर कहीं जगह देते हैं, फिर आप कहीं जाके वो एक सेटअप करते हैं। अभी एक करियर है एक्टिंग या सिंगिंग या डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह या राइटिंग, ये करियर है। तो जब आप फर्ज करें आप राइटर बनना चाहते हैं और आपको गुलाम अब्बास साहब का नहीं पता, आपको गुलजार साहब का नहीं पता, आपको जावेद अख्तर साहब का नहीं पता, आपको नासिरुद्दीन साहब का नहीं पता, तो आप इसका मतलब ये है कि आपके भी आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर आपने सिंगर बनना है तो आपने मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं सुना हुआ, किशोर साहब को नहीं सुना हुआ, मेहदी हसन साहब को नहीं सुना हुआ या नुसरत साहब को नहीं सुना हुआ, तो आप कैसे सिंगर बनेंगे? आपका गला तो काम कर रहा है, आप सुर में तो है, लेकिन आपको फील्ड का कुछ पता नहीं है। तो बड़ों का काम देखना बड़ा ज़रूरी है इस काम में आने से पहले, उस्तादों का काम देखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे एक्टिंग के भी उस्ताद हैं, कवि साहब का काम देखें आप, जमील फखरी साहब हैं और इतने नैयर एजाज साहब हैं जो काम कर रहे हैं, नदीम बेग साहब। तो तरीका ये है कि आप उनका काम देखें, कोई उस्ताद पकड़ें। ये समझने वाली बात है, नुक्ता ये है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि हर वो बंदा जो सुबह उठ के शीशा देखता है उसको लगता है कि मैं हीरो हूँ, लड़की को लगता है मैं हीरोइन हूँ। अब उससे ऊपर बात चली गई कि हर बंदे के हाथ में फोन है और उस फोन में एक कैमरा है और वो सारा दिन अपनी सेल्फीज लेते हैं या वीडियोस बनाते हैं, उनको लगता है वो एक्टिंग कर लेंगे। जिस दिन वो आप उनको कैमरे के सामने खड़ा करते हैं और आप उनको कहते हैं लाइन आपने बोलनी है और आप कहते हैं एक्शन, उसके बाद वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर उनको समझ आती है कि एक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है, घर बैठ के शक्लें बना के तस्वीरें खींचना एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसका एक उस्ताद पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि किसी ने कुछ भी करना है, एक्टिंग सिंगिंग राइटिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन, तो कोई उस्ताद ज़रूर पकड़ें। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, सुहेल अहमद साहब हैं या कवि साहब हैं या जितने भी लोग हैं, इनका कोई ना कोई उस्ताद है, ये समझने की ज़रूरत है। आपको बेउस्तादा और उस्ताद वाला दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और आप आ गए हैं, आप कहते हैं कि मैं MA की क्लास में बैठना चाहता हूँ, तो आप कैसे बैठेंगे? आप याददाश्त जितनी मर्जी आपकी अच्छी हो, आप पीछे किसी उस्ताद से कुछ पढ़ के ही नहीं आए तो आप कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते। सर सवाल था, एक डेली लिसनर है मदीना जब्बार का, तो वो ये पहले तो आपकी बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने कहा है कि आपका रॉजर ड्रामा, तो रॉजर के ऊपर थोड़ी सी नज़र करें, रॉजर के ऊपर थोड़ी सी नज़र सानी करें, क्या प्रोजेक्ट था? मेरे ख्याल से आपके वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था रॉजर। यार हम मुझे ना अभी $50 शो भी जो है उसकी हर एपिसोड में जो टॉपिक है वो किसी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। उसकी 8 एपिसोड्स हो चुकी हुई हैं, हमने तकरीबन 20-25 करनी है और वो सारी लॉक हो चुकी हैं, सारे एक्टर्स भी लॉक हो चुके हैं उसके। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि उन 8 की 8 एपिसोड में कुछ ना कुछ सच्चाई है। वो जो टॉपिक हमने लिया हुआ है हर एपिसोड में वो हम किसी ट्रू इवेंट से ड्राइव करते हैं। तो रॉजर भी ऐसे ही था, हमारे लिबर्टी चौक में आपको याद होगा कि जो श्रीलंकन टीम पे क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था और उसमें पुलिस वाले बहुत शहीद हुए थे और आम शहरियों को भी गोलियां लगी थी और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मैंने वो लाइव देखा टीवी पे, पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी चैनल आते हैं वहाँ लोगों ने देखा कि लाइव शूट आउट हो रहा है और पुलिस वालों को गोलियां लग रही हैं और हम देख रहे थे। तो मैं वहाँ जाना भी चाहता था जब ये इंसिडेंट हो रहा था। मैं थोड़ा सा एक इमोशनल आदमी हूँ और मेरी थोड़ी सी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कुछ कर लूँगा जाके, पता नहीं मैं कर सकूँगी ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता ज़रूर है। तो रॉजर का आइडिया आया फिर इस जो शूट आउट था उससे लिबर्टी चौक में, और उसमें भी सारी ट्रू स्टोरीज़ हैं। तो अज़र हसन नदीम साहब थे DIG, उन्होंने एक दो किताबें भी लिखी हुई हैं, तो उनका लिखने से काफ़ी था। वो रिटायर हुए थे, उनके साथ मैं बैठा, मैंने पहले पुलिस एक्ट पढ़ा पूरा, जब कि पुलिस की वर्किंग क्या है, पुलिस एक्ट था क्या, कहाँ से शुरू हुई पुलिस का महकमा, कैसे चला गया। उसके बाद फिर मैंने ट्रू इंसिडेंट्स ढूंढे, उनके आसपास मैंने स्टोरी निट की। तो उसका जो बेसिक आइडिया था प्लस जो मेरे और जमील फखरी साहब के सीन थे, सारा रन डाउन वो मैंने खुद लिखा हुआ था। बीच में एक दो चीज़ें
कुछ वजूहात की बिना पे कुछ एपिसोड्स हमें किसी से लिखवानी पड़ी क्योंकि वो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उस वजह से। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो ड्रामा उस वक्त जितने भी प्राइवेट ड्रामास थे उनको भी बीट कर गया और उसकी पीटीवी नेशनल अवार्ड्स में 11 नॉमिनेशंस थी जिनमें से सायर अली बग्गा का उसमें उसका टाइटल सॉन्ग मैंने इनसे गवाया था और ये इनका पहला टाइटल सॉन्ग था जो इन्होंने गाया था। और इनकी नॉमिनेशन थी बेस्ट ओएसटी में, मेरी थी बेस्ट एक्टर में पीटीवी नेशनल अवार्ड्स। तो बेस्ट सपोर्टिंग में थे, बेस्ट नेगेटिव रोल में थे, टोटल 11 नॉमिनेशन थी और उस साल सबसे ज्यादा नॉमिनेशन थी। तो मैं नॉमिनेट हुआ ये पीटीवी के ड्रामा, ये पीटीवी के और कोई और अवार्ड नहीं थे जिनमें कुछ कुछ करके आप? हाँ, ये पीटीवी नेशनल अवार्ड से, मतलब रीजनल भी नहीं था, नेशनल अवार्ड से। और यकीन करें कि मुझे जब उसका नॉमिनेशन का लेटर आया तो मैं बहुत खुश था और मैं मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे अवार्ड भी मिले, मैं इतना खुश हो गया था क्योंकि जो नॉमिनेशन जिन जो नॉमिनीज थे वो थे उस्मान भी साहब मेरे उस्ताद हैं, वो तोकीर नासिर साहब, अरबाज साहब अरबाज खान, और चौथा था मैं। तो मैं उनके साथ ब्रैकेट हो गया, तो मैं इसी में बहुत अपने आप को लकी समझता था कि मेरे उस्ताद हैं उस्मान पीर साहब, तो मैं उनके साथ मैं भी बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। सर एक और अली जो अवैध साहब हैं उनका भी एक सवाल था कि सर आवाज़ को बेहतर करना है तो आवाज़ के लिए कुछ टिप्स दें, और इसके साथ साथ अगर हमने एक्टिंग करनी है एक्टिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। यार बेसिक जो एक्सरसाइज है ना एक्टिंग की, पहले सबसे तो आप लोगों को एक्टिंग करते हुए देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जिन लोगों के नाम बने हुए हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, आप रिसेंट एज में अगर आ जाएँ हम या इंडिया में देखें, मनोज बाजपेयी साहब हैं पाकिस्तान में, नैयर एजाज बहुत आला एक्टर हैं, कबीर खान साहब हैं, नदीम बेग साहब की पुरानी फिल्में, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और इनका काम ना देखना बड़ा ज़रूरी है, पहले तो देखना बड़ा ज़रूरी है। देखें जब आप सिंगर बनते हैं ना तो सिंगर तो गले से बनता है ना, लेकिन पहले आपको अपना कान ट्यून करना पड़ता है, गाना सुन सुन के आपको सुर का और बेसुरे होने का पता होना चाहिए, आपको म्यूज़िक का पता होना चाहिए, तो वो उस्तादों का काम सुनते हैं, इसी तरह से आप उस्तादों का काम देखते हैं अगर आपने एक्टर बनना हो तो आप पहले तो वो देखें बहुत सारा काम, और पाकिस्तान में जो बड़ा काम हुआ है वो ज़रूर देखें। रूही बानो साहब बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनका काम देखें, फिर यहाँ पे खालदा रियासत साहब साहिबा थी, फिर उस्मा गिलानी साहिबा हैं, तो इन लोगों का काम देखें पहले और समझें ताकि आपकी रूट्स बन जाए, आपको ये ना लगे कि हमारा तो आपको अपना कोई एक्टर ही याद ना हो और आप कहें जी अमिताभ बच्चन साहब बड़े अच्छे एक्टर हैं, शाहरुख खान बड़ा अच्छा एक्टर है, वो हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आपने अपने एक्टर की बात करनी हो तो आप इधर उधर देखना शुरू कर दें और आपको किसी का पता ही ना हो, तो सबसे पहले तो आपने ना इस ज़मीन से जुड़ना है क्योंकि आपने इधर ही उगना है, तो आपके रूट्स यहाँ पे होनी चाहिए। वो अब जैसा भी हमारा मुल्क है इसको हमने आगे लेके जाना है और इस पे इसी का जो वो है ना सारा यहीं से उगना है हमने, तो वो काम देखें अगर आपने सीखना है। उसके बाद आवाज़ को उन्होंने कैसे सोचा कि सवाल था कि आवाज़ को कैसे बेहतर करें, आप ना एक टोन और एक टेम्पो में बोलने की कोशिश करें, उसका सही तरीका यह है कि आप एक अखबार पकड़ें और वो अखबार और शीशे के सामने खड़ा हो जाएं, ये एक्टिंग की सबसे पहली सीढ़ी होती है, सबसे पहला बेसिक लेसन ही होता है। आप बेशक मैं गया हूँ वहाँ पे भी इंग्लैंड में जो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ आर्ट्स है मैं गया हूँ वहाँ पे, जो पहला लेसन है ना वो यही होता है हर जगह पे कि आप सबसे पहले आईने के सामने खड़े हो के तो कोई बुक पढ़ते हैं या आप कोई अखबार पढ़ते हैं, और ट्रेनिंग यह है कि आपने लगातार एक टोन मेंटेन करनी है, आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि आज गुजरांवाला में एक लड़ाई हो गई, ये नहीं करना आपने कि आप शुरू तो हो गए कि आज गुजरांवाला में लड़ाई हो गई तो ड्रॉप हो गया, आपने कहना आज गुजरांवाला में लड़ाई हुई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने जुमला जो है जुमले के एंड भी आपने उठा के रखना है, और इसकी बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहले तो ये है कि आप आईने के सामने खड़े होके शीशे के सामने मिरर के सामने तो अखबार या कोई बुक रीड करें बुलंद आवाज में, और आपने ये शुरू करना है 10-15 मिनट से और आपने फिर इसको एक घंटे तक लेके जाना है, और तलफ्फुज आपने सही रखना है, आपको कोई फायदा नहीं होना किसी भी चीज़ का, अच्छी शक्ल का, अच्छी आवाज़ का, जब तक कि आपका तलफ्फुज ठीक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मसला पेश आता है नए एक्टर्स को वो है उनका तलफ्फुज ही ठीक नहीं है, वो सारे बोलते हैं कि खुदा ने चाहा तो ज़रूर होगा, खुदा वो खुदा उनको कहना नहीं आता, वो कहते मैं हाला के घर गया होता, हालांकि वो खाला के घर गए हुए थे, तो वो गलती को गलती कहते हैं सारे, गलती।
तो वो इंडियन इन्फ्लुएंस भी है क्योंकि इंडियन कार्टून देख के बड़े हुए हैं और वहाँ पे वो गलती बोलते हैं तो ये भी गलती बोलते हैं ना, उनकी जुबान साफ है। सबसे ज्यादा मसला नए एक्टर्स को वहाँ पे आता है।